अब के ठेके पर 35,000 की लूट का मुकदमा दर्ज, 25 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। शराब के ठेके पर सोमवार को शाम करीब 4 बजे 35,000 रुपए की लूट का मुकदमा तो दर्ज हो गया है, मगर 24 घंटे के बाद भी अभी तक किसी बदमाश की गिरफ्तारी न होने से पुलिस के हाथ खाली है। सोमवार 8 जुलाई को शामली जनपद के थाना जंजाना की पुलिस चौकी चौसाना क्षेत्र में थाना भवन मार्ग पर स्थित दथेड़ा के देशी शराब ठेके पर बाइक सवार दो बदमाशों ने 35,000 रुपये करीब की नकदी लूटकर सनसनी फैला दी थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस अधिकारियों ने घटना की जानकारी ली और इस मामले में पुलिस टीम भी गठित की गई, मगर 24 घंटे 20 मिनट बाद भी अभी तक इस मामले का खुलासा नहीं हुआ है, पुलिस के हाथ खाली है। थाना प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह का कहना है कि 35,000 रुपये की लूट हुई थी, जिसमें ठेकेदार की ओर से दो व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। लड़के ने आपको सूचना दी? जी। क्या कहा? वो सर आप पापा जी जल्दी आ जाओ, ठेके पर ना सोगा तो भैया यहाँ कैमरे लगे हुए थे? कितने कैमरे थे यहाँ? कितने कैमरे थे? चार है, एक अंदर बाकी बाहर है। अच्छा, एक अंदर बाकी बाहर है, तीन बाहर है। तो ये घटना, ये जो लूट हुई है आपके साथ हुई है? हाँ जी, मेरे भाई जी। भाई भाई। तो आपका भाई था जी, आपसे बड़ा? हाँ जी। क्या नाम था भाई का? दीक्षित। तो कितने लोग थे लूट करने में? 60,000 के आसपास। आपका नाम? सत्यपाल सिंह। सत्यपाल गाँव दथेड़ा। गाँव दथेड़ा काफी का है? हाँ, रिश्तेदार का है जी। क्या नाम? अतर सिंह। अतर सिंह जी। गड़ी अब्दुल्ला जी। हाँ, हमारे अंदर मैं लड़का रहे हैं जी। दीक्षित कुमार। दीक्षित कुमार जी। अभी सूचना मिली कोई लूट हुई है, क्या पूरा मामला है? मामला है जी, कल वो ठेके पर अकेला ही था, वो दूसरा आदमी यहाँ आया नहीं हमारा। कौन था? लड़का दीक्षित कुमार, और वो यहाँ जैसे 4 बजे दो लड़के आए, उन्हें उससे पूछा भाई हमें पिट्टी मिल जाएगी क्या, हमें पिट्टी की ज़रूरत है। उसे कहा भाई मिल जाएगी, कितने की? 3150 रुपए की। उन्हें खिड़की मैंने उसे 3200 रुपए दे दिए, 50 रुपए उसे वापसी कर दिए। जैसा वो नीचे उतरा, नीचे उतर कर उसे गेट खोल कर पिट्टी ठहके देने लगा। गेट कौन सा खोला? ये बड़ा गेट। तो पिट्टी तो बड़ा गेट खोला जी, मैंने जी पिट्टी तो इसमें जानी थी, तो उसे तो जैसा इसे खोल कर पेटी लेना आया, तो दोनों अंदर बढ़ कर गेट बंद करके वो दैब लिया जी। वो जो बोलने लगा तो उसके उन्हें कान पर मरा एक, और रिवॉल्वर या कट्टा जो भी ले रहे थे वो तो कट्टा ही बताया था, और उसे कन पट्टी पर लगा दिया। दोनों भी कहते जी, और उन्हें अपने बैग में से टेप काट दी, जैसे डॉक्टर रखा करें बड़ी बड़ी छोटी छोटी, वो मतलब पैड कर उसके मुँह पर लगाई और उसके हाथ पीछे बांध के यहाँ खाट पे घेर दिया, और घेर के उसके बाद फिर जो ये DVR लगे हुए थे कैमरे का सिस्टम सारा। कैमरे कितने थे? बस एक अंदर है, तीन बार हैं। चार कैमरे जी, और पैड कर उसमें सारा सामान कैट गए, ये Wi-Fi का भी और DVR सारा सिस्टम अपने बैग में भर लिया, वो पिट्ठू बैग था बड़ा, वो भर के और दो पेटी के पौवे में भी भरे, पेटी तो उनमें आई नहीं तो पौवे भर लिए, भर के इतनी देर में कोई लड़का आया बाहर से, कोई बाहर से लड़का आया, उसे कहा कि वो भाई उसने कहीं आवाज़ मारी, वो लड़का बोल रहा कि मुझे ये नहीं पता मेरा आवाज़ किसे मारी बाहर से, मैं उसकी पहचान में नहीं आई आवाज़। उन्हें कहा क्या बात, हम कुछ बात कर रहे, अगर जी मुझे पौवा लेना, मैं पेटीएम करूँ, अब कर दे पेटीएम। उसे 70 रुपये का पेटीएम करा 4:08 पर। हाँ पेटीएम जो करा हम वो अंदर ही थे, उन्हें पौवा ठहरा, एक ने पौवा पकड़ा दिया, और जो दुकान में कैश था वो पहले दिन का भी था, और कुछ जो
बिक्री हुई थी दिन में उसका भी था, तो वो उठा के उनने वो भी काबू कर लिया, 35,000 रुपये। और जी जैसा वो ले कर चला गया पौवा, तो उन्हें एक आदमी बैर लिकड़ा उसे देखा कि सड़क पर कोई नहीं है, उसे कहा आ जाओ। वो तो लिकड़ का बैर लगा के बाहर की कुंडी और मोटरसाइकिल लेके इधर खिड़ी कुशनाग की तरफ निकल गए। वो एक पे हेलमेट था और मास्क दोनों पे लगे हुए थे जी। तो फिर उस लड़के ने उठा, उठ के अपने मुंह गोड्डे पर रगड़ के तो टेप तारी उसे, और यहाँ से हाथ बंधे बंधे ऊपर गिरा, वो गिर के और इसका मोबाइल जो है यहाँ पीछे चार्ज पर लगा था जी। तो वहाँ से उसे पेटी के पीछे से मोबाइल ठह के अपने जीट कर भी उठाया उसे, और मेरा नंबर पे उसे फ़ोन करा 4:11 पर। उसे कहा पापा जी ठेके बाजू नाश होगा, लूट होगी। मैं और दो चार लड़के और थे वहाँ, हम बैठे थे वहाँ ताश खेल रहे थे गेम में। और जब हम भागे यार, जब मैं मोटरसाइकिल लेके जब यहाँ आए और मैं देखे बाहर की कुंडी लग रही, मैं कुंडी खोली तो यहाँ मुंदा पड़ा था, पीछे हाथ बंध रहे थे। मुझे उसका हाथ खोली, मैं क्या हुआ आप चोरी कर ले गए ऐसे ऐसे करके। दो लड़के थे, एक पे हेलमेट है और दोनों के मुंह पे मास्क लग रहा, और इधर गए और एक की काली शर्ट है और जींस की पैंट है, दूसरे की डब्बी वाली है काली सी, और इधर निकल गए वो। मगर मारा भी खा, मेरे मारा भी उधर मैं खाट पर गिर रखा था। तो मुझे उसके हाथ खोल ले, हाथ खोल के और जैसा मैं मोटरसाइकिल पर बैठा के उसे हम ले गए, उसका पीछा करा इधर हम गए या गड़ी अब्दुल्ला से परे पड़े है पलटेड़ी पाकि पड़े गाँव मानक मोह तक आए हो वहाँ तक गए जी। तो फिर हमें जब नहीं मिले हम वापसी आए, तो हमें रास्ते में जाती हो रही है, हमें पहले पुलिस पे फोन करा 112 नहीं, सीधा किसी का नंबर था पुलिस वाले गई चौसा ने गई, उन पर फोन करा। और जी फिर हमें जो मालिक हैं जिनसे ठेका दे रखा है, जो हम तो चले गए थे पुलिस आ गई, हम तो उनके पीछे लग रहे थे कि इधर गए क्यों। मैं उस लड़का पीछे बैठा लिया, तो यही तो ही जाना था, कौन है कैसे डाल के आए तो एक बार बता कौन है, हम घेरेंगे उसे। वो इतने निकल के कहीं दूर, और जी हमें मालिक पर फोन कर दिया, वो भी आ गए, और जो अतर सिंह है वो भी फिर यहाँ सब के सब इकट्ठे हो गए जी, सब आ गए जी। अच्छा एस ओ साहब, सी ओ साहब और जी इंचार्ज चौसान चौकी सब यहाँ इकट्ठे हो गए, फिर सब आ गए जी, सी ओ साहब भी सब आ गए थे यहाँ। आने के बातचीत होने लगी, लड़के से पूछा टोपी खड़ी होना कि वो एक तो फ्लैक्स हो रहा, वो घबरा रहा, उसके एक तो पथरी का उसका दर्द उठ गया, और उधर उसकी टांग में राड लगी हुई है, अभी 6 महीने पहले उसकी टांग टूट गई थी, और जी उस करके वो उसका दर्द हो गया टांग में, जैसा वो गिरा उसके टांग में चोट लगी, तो उसके जो दर्द होने में, तो उसके फिर हम डॉक्टर के ले गए, इंजेक्शन लगवाया, वो फिर बलवाया के उससे बातचीत करी। बातचीत करने में वो लखन भाई सच सच बता, तेरा कोई मैटर तो नहीं ऐसा, कोई तेरे जान का पहचान गया, किसी के साथ लड़ाई बड़ाई हुई हो, बोले जी मेरे साथ कुछ नहीं होगा। वो चले गए, फिर बुलाए ले चौंकी लगे, भाई चौंकी आ जाओ अपने रिपोर्ट करा लो। हाँ चौंकी जाके फिर सब मालिक भी थे, सब औरत भी थे, रिपोर्ट मेरे हिसाब से मालिक ने दी, पता नहीं लड़के के नाम पे दी अपने नाम से दी उन्हें। हाँ कल रिपोर्ट उस रात हो गई, उन्होंने कहा ठीक है जी हम देख रहे जी।